पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्मा गया है एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक से बढ़ी सक्रियता ने सभी को डरा दिया है। तेजस्वी यादव के यात्रा के दौरान ही नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, और इस यात्रा के पीछे का मकसद नीतीश कुमार का क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार में विधानसभा का चुनाव कराना ही है? नीतीश कुमार के अचानक से लिए जा रहे फैसलों पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है नीतीश कुमार को कि आप विधानसभा का चुनाव वक्त से पहले ही करा लीजिए? मुद्दा इस बात को लेकर के गर्म आखिरकार क्यों हो गया है, आज सुबह सवेरे चर्चा करने के लिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच हम बाबा के साथ जुड़ गए हैं। पूछेंगे इनसे कि बिहार में वक्त से पहले होगा विधानसभा का चुनाव, 6 महीने का डेडलाइन, नीतीश मोदी सब रेडी, बिहार में वक्त से पहले चुनाव की आहट क्यों? देखिए रत्न, से बहुत तेजी से बिहार की राजनीति देश की राजनीति को बदल रही है जी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अस्थाई उनके साथ नहीं है, इसके कई कारण हैं। आपने देखे होंगे कि आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए, एक सर्वे रिपोर्ट हमने भी दिया था कि नीतीश कुमार यदि महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा। 2024 के चुनाव के बाद की ये परिस्थितियाँ बनी हैं। 2024 के चुनाव परिणाम में हमने निकाल करके आंकड़े दिखाए थे, जो सर्वे रिपोर्ट था उसके आधार पर 170 से सीटें ज़्यादा सीटें जीत करके आ रही है एनडीए गठबंधन। लेकिन इधर जो बीच में बदलाव हुआ है पिछले 15 दिनों में, वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। उस कहानी में एक एपिसोड आप जोड़ के देख लीजिए, जेपी नड्डा वाला, एक एपिसोड उसमें जोड़ लीजिए आप तेजस्वी यादव वाला। ये दोनों एपिसोड को जब मिक्सअप कीजिएगा ना आप, तो कॉकटेल हो जाएगा, और ये कॉकटेल पूरी तरह से या तो बिहार की राजनीति को, राजनीतिक गलियारे को, या फिर मीडिया जगत को पूरा भ्रमित किए हुए हैं। इस भ्रम से निकलने का एक ही रास्ता है, भाजपा को 5 साल चलाना है ना सरकार, केंद्र की सरकार 5 साल चलाना है ना, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखना है ना। तो अगर नीतीश कुमार के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो क्या 5 साल चलेगा सरकार? क्या नहीं चलेगा, उसके लिए रास्ता क्या है? दुश्मन को थोड़ा और नजदीक आने देते हैं, थोड़ा और नजदीक आता है, थोड़ा और नजदीक आता है, थोड़ा और नजदीक आता है, उसके बाद वार करते हैं कि वार ऐसा करें कि फिर चित कुछ नहीं बचे। दूसरी तरफ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में सीट शेयरिंग का समझौता एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है जी, जी। उसका क्या होगा? नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जब केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है और मेरे दम पे चल रही है, तो आज जो कहेंगे सो हो जाएगा जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इन चीज़ों को जोड़ घटाव करके देख रही है कि रोज़ नए नए सर्वे बदल रहे हैं, रिपोर्ट बदल रहे हैं, रोज़ नया नया कोई ना कोई शगुफा छूट जाता है। इन सभी बातों को लेकर के मैं देख रहा था कि कल पंचनामा में भी आप लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे थे, वक्त से पहले चुनाव की बात हम आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये शुरुआत 2024 के चुनाव से पहले, जब वो एनडीए में स्विच कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था, जो हमारी जानकारी है या जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। वर्तमान परिस्थिति में देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो देखने में ठीक लगे वो भी अंदर से भी ठीक हो। अमरूद कभी खरखरते हैं? बिल्कुल। अमरूद ऊपर से पूरी तरह से एकदम अच्छा चनाचन लगता है, और जैसे उसको काटिएगा ना, इधर उसमें पिल्लू नजर आता है। ये उसी तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया है, जिसमें कोई भी गठबंधन ये नहीं कह सकता है कि मेरे साथ वाला मेरे साथ रहेगा। भीतर से सब सड़ा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, इस बात को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए तो वो कहते हैं कि जब सब है तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी साथ में हैं। चिराग पासवान से पूछिए तो हाँ भाई, सब हैं, कल तक वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, आज वो नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। एक नारा भी आपको सुनने को मिला होगा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा बड़ी तेजी से आ रहा है। ये ऐसा ही नारा 2015 में गढ़ा गया था जी। 2015 वाला नारा हर बच्चे बच्चे के जुबान पर है, फिर से 2014 और 2015 ये दो ऐसा नारा था, और उससे पहले 70 के दशक में जब नारा था, इन सभी नारा को लोगों ने याद रखा है, गद्दी खाली करो कि जनता आती है जी। उसके बाद आया
कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये 2015 का नारा था। नारा गढ़ा किसने था? प्रशांत किशोर जी। आज किससे लड़ाई है? प्रशांत किशोर से। आज नारा कौन गढ़ रहा है? जदयू। जदयू जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये नारा किसके साथ गढ़ा गया था, ये तो क्लियर है। जब वो महागठबंधन में थे तो नारा गढ़ा गया था, लालू प्रसाद ने एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अगर बात करते हैं तो प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर हो गए हैं, भले बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं दिखा पाए 2025 के चुनाव में, लेकिन इतना तो जरूर करेंगे जिसे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने डैमेज किया था, उतना तो डैमेज जरूर करेंगे। किसको डैमेज करेंगे? वक्त जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा। अभी तो सीधा लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर जिस रॉ में चल रहे हैं उसे डैमेज वो महागठबंधन को कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के आप देखिएगा कि नीतीश कुमार पर जो 19 साल का एंटी इनकम्बेंसी है वो भी हावी है। जी, नीतीश कुमार को आप देखिए तो नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। कोई चिराग पासवान को कह रहा है कि मुख्यमंत्री बना दीजिए, कोई सम्राट चौधरी को कह रहा है, कोई उपेंद्र कुशवाहा को कह रहा है, जिसके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि उनको बना दीजिए। लेकिन नीतीश के रहते हुए किसको बना दीजिए आप? मैं कल ही एक खबर कर रहा था म्यूजिकल चेयर वाली। जी, उस म्यूजिकल चेयर वाली खबर में मैंने बताया था, आप म्यूजिकल चेयर देखे हैं ना, जिसमें डीजे बजते रहता है और लोग ऐसे ऐसे कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते हैं, अगर 6 लोग हैं तो 5 कुर्सी होती है, मतलब एक आउट होता है, एक आउट हो जाता है। लेकिन उस म्यूजिकल चेयर में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी अपने साथ सटा लिए हैं, वो कुर्सी के साथ घूम रहे हैं, और कोई आउट हो जाए लेकिन नीतीश आउट नहीं होगा, वो कुर्सी लेकर ही दौड़ रहे हैं, बैठ सकते हैं, कुर्सी लेकर के ही दौड़ रहे हैं, समझे? तो ये म्यूजिकल चेयर में अब सेकंड नंबर में कौन है, कौन नीतीश के साथ कुर्सी पर बैठा रहेगा बगल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावे आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल एक नया गेम शुरू की है। 2024 में उपेंद्र कुशवाहा, माफ़ कीजिएगा, मुकेश सहनी को जब भी आपने सुना होगा तो हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के साथ बैठे रहते थे और बार बार उनके तरफ से ये बयान आता था, उनके लोगों की तरफ से बयान आता था कि अगले 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री तेजस्वी और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी। जी जी बिल्कुल। ये सिंपल सी बात है कि एक रेवड़ी जो बांटने का तरीका है ये दोनों तरफ से बट रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार में 5 उप मुख्यमंत्री देखने को आप मिल सकते हैं। सभी को एक साथ रखने के लिए बस एकमात्र रास्ता यही है कि उनको रेवड़ी जबरदस्त दी जाए, सीटें कम, रेवड़ी ज़्यादा। न तो नीतीश कुमार अपनी सीटें कम करने वाले हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम करने वाली है। तो आखिर का ये सारा का सारा खेल जो रचा जा रहा है कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव क्यों, इसके पीछे का भी कारण है। नीतीश कुमार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में अलग अलग चुनाव जो हो रहे हैं उसमें किस तरह का प्रदर्शन कर रही है। जी। वो उन्होंने एक बार पहले भी टेस्ट कर रखा था, जैसे 4 राज्यों के चुनाव जो हुए थे, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों के, और अब फिर 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसमें है क्या कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी का ऑरा बड़ा था 4 राज्यों के चुनाव में, 3 राज्यों में उसकी सरकार बनी थी, तो नीतीश कुमार को लगा था कि बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने इंडिया गठबंधन से स्विच कर लिया था। अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किसका पलड़ा भारी रहता है, इस आधार पर नीतीश कुमार फैसला लेने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार कोई फैसला लें उससे पहले भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि नीतीश कुमार का वो शर्त मान ले वक्त से पहले चुनाव वाला। उससे 2 फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। पहला तो ये कि नीतीश कुमार उतने दिनों तक, जब तक ये चुनावी प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेंगे। चुनाव अगर जीत जाते हैं तब भी कोई समस्या नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नीतीश को वो मुख्यमंत्री बना देगी और नीतीश कुमार निर्बाध गति से 25 से 30 जो नारा दिया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये हो जाएगा। अगर दूसरी कोई परिस्थिति बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कराने में अगर सक्षम नहीं होती है, तो एक रास्ता निकलता जरूर है कि 2025 तक इसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन तब तक राजनीतिक परिस्थितियां, हालात बदलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जैसे जैसे राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर आ रहा है वैसे वैसे उनका ग्राफ गिर रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश तक और साउथ के कई दल
लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, एक इसका भी इम्पैक्ट होगा। और अगर देशव्यापी ऐसा हो गया और कहीं अगर मजबूत हो गया इंडिया गठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी वक्त से पहले चाहती है कि चुनाव करा करके अपने एक राज्य जो है उसको अपने गिरफ्त में ले ले, सेफ कर ले। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि नीतीश कुमार यदि चुनाव के बाद बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं करते हैं और बाकी के दलों के साथ सरकार बनाने की परिस्थितियाँ पैदा होती है, या परिस्थिति नहीं पैदा होती है, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रह पाती है, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प है कि उनके 12 सांसदों को लेकर के केंद्र की राजनीति में वो अपना खूंटा मजबूत कर लेगी। यानी दोनों ही परिस्थिति में लड्डू तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और भारतीय जनता पार्टी जब इस पूरे मामले को लेकर के जब चलेगी तो आपको एक साफ साफ चीज़ नज़र आ जाएगा कि क्या होने वाला है। अब आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए कि जो लड़ाई है वो कैसे रची गई है। 2024 के चुनाव परिणाम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बिहार में जो जातीय समीकरण है उसको टूटा है जी, और इस जातीय समीकरण के टूटने से ज़्यादा आशान्वित हो गए हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण, जातीय समूह, जातीय से ऊपर उठ करके बिहार के लिए काम करने की बात कही है और लोगों से भी कहा है कि आप उससे ऊपर आइए। हालांकि उन्होंने जातीय आधार पर जो रिपोर्ट आए हैं उसके आधार पर लोगों को टिकट बांटने की बात जरूर कही है। 40 महिलाओं को कहा है उन्होंने कि टिकट देंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट देंगे जितना उनका परसेंटेज है, माने 18-36 के आसपास। इसके अलावा वो सवर्णों को कह रहे हैं कि 30 से अधिक टिकट आपको देंगे हम। अति पिछड़ा को कहते हैं कि 60-70 टिकट देंगे। यानी कि घुमा फिरा करके जो आंकड़ा है 100% का, उसको 243 में डिवाइड करके वो देने के लिए तैयार है, राजी है। ये परिस्थिति अगर बनती है तो निश्चित रूप से यहाँ भी एक जातीय समीकरण टूटेगा, क्योंकि जो जहाँ खड़ा होगा वहाँ उसको सपोर्ट मिलेगा, बाकी के लोग भी सपोर्ट करेंगे जो प्रशांत किशोर के वोटर होंगे। तो एक तो रास्ता इन्होंने कहीं ना कहीं निकाल लिया है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार के साथ जो डेडलाइन तय हुआ है, ये डेडलाइन जैसा कि आप बता भी रहे थे पंचनामा में कि फरवरी तक का तय हुआ है, क्योंकि फरवरी तक बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ जाएंगी। दो राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले हैं, और उसके बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है, और उसी साल नवंबर में बिहार का चुनाव है। इन सभी परिस्थितियों को बराबर कैलकुलेट करके तराजू के पलड़े पर रख करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, खोने के लिए बहुत कुछ है। तो जब किसी के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है तो वो एक एक कदम फूंक करके चलता है, और भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। कहीं से ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो चीज़ों को बिगड़ता हुआ देखे। एक प्रयास तो निश्चित रूप से नज़र आया था, सिर्फ हवा 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 था। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही हवा उड़ा दिया हो कि 3 सांसद उनके उधर जा रहे हैं। नतीजा आपने देखा कि लगा कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, परिस्थितियों को संभाला गया। तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए ही एक थ्रेट हो, जब चिराग पासवान के सांसद आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी को लॉस यही है कि एक राज्य से उसकी सरकार चली जाएगी और 12 सांसद उसकी सरकार बचाने के लिए काफ़ी नहीं है, इसके लिए उसे और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अगर कोई खेल करना चाहती है तो करेगी, जब उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं है, अब खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, सरकार नहीं बचेगी, तो वो इस तरह का गेम कर सकती है, और ये नीतीश कुमार भी जानते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में एक बिहार का जो चुनाव है वो आकर के खड़ा है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी के सारे लोग हैं वो सब चुनाव में जाने के लिए तैयार नजर आएंगे जी। चलिए, तो ये मतलब 6 महीना का डेडलाइन नीतीश मोदी निश्चित रूप से एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप उपेंद्र कुशवाहा से बात कीजिए, उनके कई गो विधायक हैं, कई गो MLC हैं, शून्य हैं, तो चुनाव होगा तो उनको फायदा होगा घाटा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। चिराग पासवान के कई गो विधायक हैं, कई गो MLC हैं? एक भी नहीं। चुनाव होगा तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा मुकेश सहनी कई गो हैं? फायदा होगा बिल्कुल।
AIMIM फायदा होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग भी इस बात तक में बैठे हुए हैं कि क्या होगा चुनाव में। तो निश्चित रूप से जो नए नए लोग आएंगे, जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको भी लग रहा होगा कि 70-80 सीट 90 सीट जो भी मिले, 100 सीट मिले, तो 100 को तो उनके विधायक खड़े होंगे ना, इसमें जीतने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है चल रहा है, इस पर उधेड़ बुन चल रहा है। दो राज्यों के चुनाव के परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसीलिए इसका डेडलाइन जो है वो फरवरी मार्च का तय किया गया है। देखिए क्या होता है। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार ने डेडलाइन तय कर रखा है, नरेंद्र मोदी भी समर्थन में है और विधानसभा का चुनाव अब शुरू होने जा रहा है बिहार में। मुद्दा गर्म के आज के इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन आज सवेरे से लगातार बिहार के जो मुद्दे गर्म रहेंगे उस पर खबरें निरंतर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।